जोहार दोस्तों, मैं रूपा महतो और एक वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप सभी को जय सिया राम। और अभी सुबह का 7:30 बज रहा है और हम अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और गांव का सुबह सुबह का नज़ारा। और पूरा तेज़ धूप निकला है और अभी हम अपना छत में आए हैं दीवार पटाने के लिए। और आज है तीज पूजा, आप सभी को हैप्पी तीज पूजा। और लगातार अब त्यौहार स्टार्ट हो गया, कल तो विश्वकर्मा पूजा और आज तीज, कल है गणेश चतुर्थी। और धनाधन पर्व आते जा रहा, सिर्फ पैसा होना चाहिए उसके बाद पर्व पर्व ही रोजना देख सकते हैं। और आप लोग को दिखाते हैं मेरा छत से मेरा गांव का नज़ारा, सुबह सुबह कैसा दिखता है। मेरा छत से मेरा गांव का व्यू इस तरह से दिखता है। इधर बारी है और हम बाल्टिंग भर के 2 बाल्टिंग पानी ले आए हैं, कहे कि दीवार पटाना है, जोड़ा हुआ है कल ही परसों में। और इधर हल जोत रहे हैं गांव वाले लोगों। पेड़ थोड़ा कम फला है अभी, इस बार लास्ट फला है, कहे कि बहुत पहले फल चुका है। और बारी का हो रहा है अभी जोताई, मामा लगते हैं, मामा है। ये राहत वाला खेत और थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा मंदिर हम लोग का, ठंडा दिख रहा होगा हमें, थोड़ा थोड़ा दिख रहा मंदिर। वहाँ पे ही आज तीज वाला पूजा, हम लोग मंदिर जाएंगे तीज वाला पूजा देखने के लिए। और सुबह सुबह सबको अपना काम में लग गए हैं। तुलसी वाला पिंडा को मैं भी अभी पानी डालना है, कहे कि अभी 4-5 दिन तक लगातार पानी डालेंगे। बच्चा लोग स्कूल जा रहा है। हैप्पी बिहू, चलो बिहू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। हैप्पी बिहू बन गई है ना, कोशिश करो कोशिश करो, चलो कोशिश करो। कोशिश करने वाला का हार नहीं होता है। इसको उछलने ही नहीं आ रहा। कोशिश करो कोशिश करो। छत में हम लोग मकई सूखने के लिए डाले हैं। और जा सिर उर धो, ब्रश कर लिए ना, एक बार तू सक गई। और जा ब्रश करना, अभी हम लोग जाएंगे मंदिर पास पूजा देखने। जाना रे तीज पूजा वहाँ हो रहा है, जल्दी फर्स्ट टाइम मंदिर के पास तीज पूजा होगा और हम लोग देखेंगे। हाँ, हम तो फर्स्ट टाइम ही तीज पूजा देखेंगे, कहे कि हम लोग के घर में कोई करता नहीं ना है। तेरा मम्मी तेरा अपना वहाँ घर में करती है, लेकिन इस बार नहीं कर रही, तेरा दादू डेट की नहीं इसे भी। तुम सब चीज को तोड़ ताड़ देते हो। हाँ, पहले से पूछा था जब हम लेने गए थे। और डीजे बजा नाच रहा, आज डांस भी होगा, नाचूंगा मैं। मजा आएगा का नाचने में? आज वो फोन भी लेते रहेंगे और हम भी। हाँ, तुम भी वीडियो बनाना। इसमें लाल जलता है का, हमको समझ में नहीं। रे वो कलर किया हुआ है, बस लाइट उठने जलता। मम्मी कितना झूठ बोलती है। तो दोस्तों, हम पानी पहले ही भर के ले आए थे, हम दीवार पटा रहे हैं। इस उलट दीवार को पहले पटाएंगे, डालेगी भी पानी, तुम डालो। आप भी पटाना भी शुरू कर गए दी, वेरी गुड। ऐसे मत न करो।
तो दोस्तों, हम लोग का गांव में फर्स्ट टाइम मंदिर के पास तीज पूजा हो रहा है, और इससे पहले हम देखे नहीं है तीज पूजा कैसा होता है। तो आज हम देखने जाएंगे फर्स्ट टाइम तीज पूजा और कैसा होता है हम लोग का गांव में पूजा, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। ऐसे तो पीहू का मम्मी करती है, लेकिन पीहू का मम्मी अपना घर में करती है, लेकिन दीदी का घर अभी दूर है, और शायद इस बार दीदी पूजा नहीं करेगी। कहे कि दीदी का जो बड़ा ससुर है वो इस बार डेट किए हैं, तो हम लोग का महत्व मतलब जात में जब होली कटेगा उसके बाद ही कोई त्यौहार करने बनता है। तो पता नहीं, दीदी साथ फ़ोन किए थे सुबह में ही, तो दीदी तो फ़ोन नहीं उठाई थी, बाबू उठाया था, तो बोली माँ कहीं गई है बारी तरफ काम से, दीदी से पूछ रहे थे पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ से पता है कि पूजा दीदी नहीं कर रही है। तो दोस्तों, आप लोग का घर में किस किस का घर में होता है तीज पूजा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और कैसा लगता है आप लोग को तीज का पूजा वो भी बताएं। और हम मेरा फर्स्ट टाइम है, तो हम देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब उत्साहित है। पता नहीं मम्मी जाएगी कि नहीं, दुकान जाएंगी, लेकिन हम और पीहू जाएंगे, कहे कि हम लोग फ्रेश हो गए हैं। हम और पीहू बस पीहू का सिर उर बांध लेंगे, बाकी काम आके करेंगे। कहे कि अनाउंसमेंट अभी ही हुआ था तुरंत मंदिर में कि 8 बजे सबको पहुँच जाना है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को भी दिखाएंगे तीज पूजा। आप लोग को बताया था इसमें शिव और पार्वती का कहानी है ना, इसको ध्यान से समझना है और समझ के ओम सर्वे कपाल माला कित से खराई, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय शरणं शिवाय। ओम आगच्छ देवी सर्वेषां सर्वदेवाश्च सत्त्वे तुभ्यं शिवे शिवप्रिय देवी मंगले च तुभ्यं समर्पयेत् शिवरूपेण तुभ्यं समर्पयेत् तुभ्यं। ओम इसमें क्या है कि जो व्रत करती है उनको सुबह उठ के नित्य क्रिया से काम करके अपना पूजन पाठ ध्यान देते हुए अभी हम हरिकारी का व्रत का जो कथा है उसको हम आपको सूप जी कहते हैं। मंदार की माला में जिन पार्वती जी का केश पास करते हैं दिगंबर है, ऐसे पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी, पार्वती जी कहती है हे महेश्वर, पार्वती जी अपने पति से कहते हैं हे महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महापुरुष की प्राप्ति हुई है। मतलब पार्वती जी कहते हैं कि हमको कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमको आप मिले हैं, ऐसा कोई कहा जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों से सर्व जिस तरह कहा गया है मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। दोस्तों, हम लोग पूजा वूजा देख के आ गए घर, और अभी आई है मेघा हम लोग का घर में, मेघा झाड़ू कर रही। अभी हम लोग बारी तरफ टमाटर लगाए हैं क्योंकि बारिश हो गया, अच्छा नमी हो गया, चाची लोग को बारी में काम भी कर रही है, तो दिखाती हूँ। मेघा झाड़ू करके बारी तरफ आना टमाटर लगाने के लिए, मेघा को भी बोल दिया आने। आप पूजा देख के बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम देखें पूजा।
तो दोस्तों हम लोग इस वाला डाड़ में लगा रहे टमाटर और चाची लोग लगाना भी शुरू कर दे। अच्छा चा और इधर लेके आ गए चाची टमाटर लगा ची। और टमाटर का गाछी हम लोग का बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। वहाँ पे है हम लोग का टमाटर का गाछी और अभी फिर से पानी गिरना शुरू। और काम चोर वर्षा भी काम कर रही है अभी। मजा लगा था वर्षा टेलिंग दुआ लगी है। उसको कोई काम करने का लूट ढंग नहीं है इसीलिए ट्रेनिंग मिल रहा है। अच्छा चलो कोई टमाटर गीला जोरा से ज्यादा हो गया ना। और हम लोग का रेनबो कलर का छाता। तो दोस्तों हम लोग टमाटर उमाटर लगा लिया और टमाटर लगाते बच गया था हम लोग को 6:30। और जब घर आए तो लाइट भी चला गया था। बिना लाइट का ही आज खाना पीना बनाए और थोड़ा थकावट वाला भी काम हो गया। पीहू इधर सो गई। पीहू सो गई कहे कि वो भी बहुत थक गई। अरे स्कूल नहीं गई थी तो थोड़ा बदमाशी भी आज कर रही थी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।